आगामी 16 मार्च से देश में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी अब कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही 16 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगाई जा सकेगी। देश में अब 15 साल से छोटे बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि आगामी 16 मार्च से 12, 13 और 14 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या 7.5 करोड़ के आसपास है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12, 13 और 14 साल की उम्र के बच्चे आगामी 16 मार्च से कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। जिन बच्चों का जन्म 2008, 2009 और 2010 में हुआ है, वो सभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। इस वैक्सीन को पिछले महीने ही 12 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में बायोलॉजिकल ई को अपनी वैक्सीन का ट्रायल 5 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों पर करने की अनुमति मिली थी। इस आयु वर्ग में हुए फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार साबित हुई है। भारत में अभी जिस तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है, ये वैक्सीन भी लगाई जाएगी। बता दें कि यह भी इंटरमस्कुलर वैक्सीन है, जिसे इंजेक्शन के जरिए शरीर में डाला जाएगा। इस वैक्सीन की 2 डोज में 28 दिन का अंतर रहेगा। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने के अलावा अब सरकार 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को वैक्सीन की तीसरी डोज या बूस्टर डोज भी लगवाने जा रही है। सभी बुजुर्गों को 16 मार्च से ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अभी तक 60 साल से ऊपर के उन बुजुर्गों को ही बूस्टर डोज लगाई गई थी जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आपके राज्य में खबरों की एक नई परिभाषा गढ़ता, आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता, आपके राज्य की हर खबर से रूबरू कराता, खबरों का एक विश्वसनीय नाम lalluram.com। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए lalluram.com।